हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है कि आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को लॉगिन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और काफ़ी प्रयास भी किए हो। यहाँ पर जो है दोस्तों, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, अपने फेसबुक आईडी का नाम, पासवर्ड, सारा कुछ डाल डाल कर थक गए हो, लेकिन फिर भी आपका फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप आपके फ़ोन में लॉगिन नहीं हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपको अपने फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को ऐप मतलब फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप आपके फ़ोन में लॉगिन नहीं हुआ ना, तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक एंड चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को अपने फ़ोन में किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। उनसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इस बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, उनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में चल जाना है, प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सर्च करना होगा FB क्रिएटर स्टूडियो। सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन आएगा, आपको अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर लेना यानी कि डाउनलोड कर लेना है। तो फाइनली मैं डाउनलोड कर चुका, अभी बैक चले आता हूँ। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में जो है ना दोस्तों, फेसबुक ऐप को ओपन करना होगा। फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको यही एक गलती करते हो जो आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप में लॉगिन नहीं हो पाते हो। फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जैसे कि फेसबुक ऐप को ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पर जो है फेसबुक अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। आपका जो फेसबुक का आईडी है, फेसबुक में वही आईडी आपका खुला हुआ होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं इस पे चले जाता हूँ, अपने आईडी देख सकते हैं, मेरे पास दो आईडी है, एक है साजिद ब्लॉक 777 और दूसरा है गुलसाद खान करके, है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये दोस्तों साजिद ब्लॉक 777 वाला जो आईडी है, ये मेरा जो है फेसबुक पेज है, और दोस्तों हमारा गुलसाद खान का ये फेसबुक की आईडी है, यानी कि फेसबुक प्रोफाइल मानो तो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करना है कि हम जा रहे हैं फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप में लॉगिन होने के लिए तो फेसबुक में जाके अपने पेज को खोल के नहीं रखना है। आपको अपने फेसबुक आईडी, अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको फेसबुक में अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लीजिएगा इस तरीके से। इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, अभी मैं दोस्तों फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को लॉगिन ओपन करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी मेरे पास आ चुका है कंटिन्यूस गुलसाद खान करके। अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर से इसी तरीके का दिख रहा हो, तो उनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, आपको अपने फ़ोन में जो है सेटिंग ऐप को ओपन करना होगा। सेटिंग ऐप को ओपन कीजिएगा तो यहाँ आपको ऐप या तो फिर एप्लीकेशन करके दिखेगा, इनके ऊपर क्लिक करके ऐप मैनेजमेंट में चले जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाइएगा तो यहाँ आपको सर्च कर लेना या तो फिर देख लेना है क्रिएटर स्टूडियो यानी कि फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, इसे हम लोग ओपन करके यहाँ पर फोर स्टॉप कर लेते हैं। फोर स्टॉप करने के बाद स्टोरेज यूजेस की क्लिक करके इसे डाटा क्लियर डाटा कैश कर देते हैं, इसे हम लोग कर देते हैं। तो इस तरीके से इतना काम करने के बाद स्क्रोल आपको बैक में क्लियर कर देना है। इस तरीके से क्लियर करने के बाद अब आपको अपने फोन में फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को लॉगिन ओपन करना होगा। सॉरी, ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तब आपको दिख रहा होगा दोस्तों कंटिन्यूस गुलसाद खान करके, आपका जो फेसबुक का आईडी होगा वही आपको लास्ट में दिखेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनके ऊपर ही क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही क्या होगा, आपके फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप आपके फ़ोन में ये लॉगिन हो जाता है यानी कि खुल जाता है। अभी आपको दिख रहा होगा चूज ए पेज, दोस्तों आपका जो भी फेसबुक पेज वगैरह होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्लू टिक लगा हुआ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये हमारा देखिए फेसबुक पेज है, तो हम लोग इनके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारे फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में हमारा फेसबुक पेज ये खुल चुका है यानी कि लॉगिन हो चुका है। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, आप अपने जो पेज का सारा एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं, वीडियो वगैरह छोड़ सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रील्स, फोटो, पोस्ट, जो भी करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ कि आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को आप अपने फ़ोन में किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल प्रोसेस में जब आपको बताया हूँ, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।